क्या गिल्ट फंड ने पिछले 1 साल में 12 से 13% का रिटर्न दिया? क्या सच में गिल्ट फंड्स में इन्वेस्ट करना सही और सेफ है? क्या मुझे भी इतने अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे? गिल्ट फंड के रिटर्न्स देख के आपके मन में ये सभी सवाल जरूर आए होंगे, राइट? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिनोलॉजी टिकर। मैं हूँ कीर्ति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गिल्ट फंड से रिलेटेड सब कुछ, जैसे कि गिल्ट फंड क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इनके क्या फायदे और नुकसान हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पिछले 1 साल के रिटर्न्स को देखते हुए क्या हमें इसे इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा ऑप्शन समझना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी, ताकि ऐसे ही आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा आती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये गिल्ट फंड्स होते क्या हैं। तो गिल्ट फंड बेसिकली डेट म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इशू किए गए बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। और क्योंकि हम गिल्ट फंड्स के थ्रू गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए गए बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो ज़रूर मिलेगा। जैसे कि हमने पहले बात की कि गिल्ट फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ क्रेडिट रिस्क होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट तो डिफॉल्ट करेगी नहीं। अगर बॉन्ड इशू करने वाला पेमेंट में डिफॉल्ट कर दे और सामने वाले को पैसे वापस ना करे, तो उसे क्रेडिट रिस्क कहा जाता है। बट ऐसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स के साथ तो होगा नहीं, तो आपके पैसे सेफ तो ज़रूर रहेंगे। इवन इन फंड्स में लिक्विडिटी रिस्क भी नहीं होता है, क्योंकि ये सारे इंस्ट्रूमेंट सेकेंडरी मार्केट पर ट्रेड होते हैं, तो इसके बायर एंड सेलर आसानी से मिल जाते हैं। तो मतलब अगर इस पर कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है और ना ही लिक्विडिटी रिस्क है, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट का सेफ ऑप्शन है? नहीं, क्योंकि एक्चुअल रिस्क जो होता है वो होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब ये इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब ये जितने भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है, ये मार्केट में लिस्टेड होता है और मार्केट पे ट्रेड होने की वजह से इसके प्राइजेस ऊपर और नीचे होते रहते हैं। ऐसे में अगर आपने 5 से 10 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया जो 10% का इंटरेस्ट दे रहा है, और मान लीजिए नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट ने एक और बॉन्ड इशू किया जिसका इंटरेस्ट 8% का है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो बॉन्ड ज़्यादा इंटरेस्ट देगा, डिमांड उसी की होगी। तो इस केस में जो बॉन्ड 10% का इंटरेस्ट दे रहा है, डिमांड उसकी ज़्यादा होगी और बायर एंड सेलर वहीं पे ज़्यादा अवेलेबल होंगे। तो इसमें जिन लोगों ने 10% का बॉन्ड लिया था, उनके लिए एक फेवरेबल कंडीशन होगी, क्योंकि उनका लिया गया बॉन्ड मार्केट में ज़्यादा डिमांड पे चल रहा है। अब इसी सिचुएशन में अगर हम अनफेवरेबल कंडीशन देखें, जैसे कि मान लीजिए पहले साल में आपने एक बॉन्ड लिया जिस पे गवर्नमेंट 8% का इंटरेस्ट दे रही है और आपने वो परचेज कर लिया। अब नेक्स्ट ईयर उसी बॉन्ड को अगर गवर्नमेंट 10% इंटरेस्ट पे मार्केट पे लाती है, तो यहाँ पे 10% इंटरेस्ट वाला बॉन्ड ज़्यादा डिमांड में होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उस पे लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ऐसे में 8% वाले बॉन्ड अब इन्वेस्टर्स को कम अट्रैक्टिव लगेंगे और इसी वजह से उसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स इसे सेल करना चाहेंगे, और ज़्यादा सप्लाई या नंबर ऑफ सेलर्स और कम डिमांड की वजह से इसके प्राइजेस फॉल होने लगेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि RBI के इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट्स में क्या रिलेशन है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम एक वीडियो इस टॉपिक पे भी ज़रूर बनाएंगे। तो इस एग्जांपल से आप समझ ही गए होंगे कि इन फंड्स में इंटरेस्ट रेट का कितना ज़्यादा रिस्क होता है और कैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ने या घटने की वजह से आपके पोर्टफोलियो पे इसका असर हो सकता है। रिस्क फैक्टर के अलावा अगर हम देखें तो गिल्ट फंड टैक्सेबल भी होते हैं आपके होल्डिंग पीरियड के हिसाब से। अगर आप गिल्ट फंड को 3 साल से कम तक होल्ड करते हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, जो कि आपके टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग ही लगेगा। और अगर 3 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, जो कि 20% विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट्स होगा। अब बात करते हैं कि आखिर गिल्ट फंड्स में पिछले साल इतने अच्छे रिटर्न्स क्यों थे, और अगर अभी भी हम इसमें इन्वेस्ट करें तो क्या हमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले 1 साल में गिल्ट फंड्स के रिटर्न्स काफ़ी अच्छे थे, जिसकी वजह से बहुत से इन्वेस्टर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे। बट एक्चुअल में ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पिछले साल RBI ने इंटरेस्ट रेट्स को बहुत कम कर दिया था, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ गई और लोगों को अच्छे रिटर्न्स मिलने लग गए। लेकिन यही सिचुएशन हमेशा रहेगी, ये ज़रूरी तो नहीं। अगर हम पास्ट के कई साल के रिकॉर्ड्स उठा के देखें, तो इसी फंड कैटेगरी ने 3 से 4% का रिटर्न दिया है और कई बार तो नेगेटिव रिटर्न भी दे चुका है, तो इसे टोटली रिस्क फ्री कहना बिल्कुल गलत होगा।
ऑल्दो ये स्कीम्स में किसी भी टाइप का क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क नहीं है, बट इंटरेस्ट रेट्स के मामले में ये हाईली सेंसिटिव है। तो गिल्ट फंड को पूरी तरह से समझ लेने के बाद तो हम यही कहेंगे कि ये फंड्स उनके लिए सही हैं जिन्हें इंटरेस्ट रेट चेंजेस की काफ़ी अच्छी समझ है, और मार्केट के बदलते सिनारियोज़ के हिसाब से अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब इंटरेस्ट रेट चेंज होंगे तो ही इन फंड्स को कंसिडर कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप गलत टाइम पर एंट्री या एग्जिट ले लेंगे तो हो सकता है कि आपको ये फेवरेबल रिटर्न्स ना दें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करना ना भूलिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर हो सके। थैंक यू।